नमस्कार। और एक वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आज जानेंगे नेटवर्किंग में जो नंबर सिस्टम्स यूज होते हैं उनके बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। तो नेटवर्किंग में बेसिकली जो नंबर सिस्टम्स होते हैं, यहाँ पे हम तीन नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। यहाँ पे मैं लिस्ट लिख लेता हूँ। पहले वाला आपका होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकेंड वाला आपका डेसिमल, थर्ड में आपका आता है हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली हम जानेंगे कि जो बाइनरी होता है, डेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल, ये सब आप स्कूल के डेज में भी पढ़े होंगे। तो ये बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारे चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग जानते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, आपका जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है तो इसमें आपका दो नंबर्स ही होते हैं, एक होता है आपका 0 और एक होता है 1। हम लोग इसे बिट भी बोलते हैं। तो ये 0 और 1 का मतलब यहाँ पे ऐसा होता है, 0 मतलब आपका जो वैल्यू होता है, 0 जहाँ पे होता है, इसका मतलब ये ऑफ बिट बोला जाता है। जहाँ पे 1 होता है इसको ऑन बिट बोला जाता है। इसका मतलब और आसानी से अगर हम समझेंगे, जहाँ पे इसका वैल्यू 0 आ रहा है और जिस बिट पर आपका बाइनरी वैल्यू जो है 0 आ रहा है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिस बिट पे आपका बाइनरी वैल्यू जो है 1 आ रहा है उसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो काम का आ रहा है। इसका बेस जो है लिखने का तरीका वो 2 लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक बाइनरी वाला नंबर मैं लिखता हूँ 1010, ये एक एग्जांपल है। इसका बेस मैं ऐसे लिखता हूँ, इससे पता चल जाता है कि ये बाइनरी नंबर है। तो इसमें ये जो नंबर 10110 मैंने लिखा ना, इसमें आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे 5 नंबर से 5 बाइनरी डिजिट है यहाँ पे, और हर एक डिजिट का वैल्यू 1 या फिर 0 है। तो यहाँ पे जो बीट के मैं बात कर रहा हूँ, बीट मतलब आपका यहाँ पे नेटवर्किंग में जो आपका डेटा होता है उसका यूनिट को यहाँ पे बिट बोला जाता है। और यहाँ पे आपका जो डेटा होता है उसमें मतलब जो डेटा का साइज होता है वो बहुत सारे बिट्स होते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ एक डेटा का साइज है 8 बिट का, तो ये एक बिट हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बिट का यहाँ पे आपका डेटा हो गया। तो अगर बाइनरी में मैं लिखता हूँ तो इसका वैल्यू हो सकता है 1 या 0, इसका वैल्यू भी 1 या 0, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सारे का वैल्यू जो है आपका 1 या फिर 0 में आ सकता है। तो ऊपर का जैसे नंबर मैंने आपको दिखाया ना 10110, ये 5 बिट का साइज वाला एक नंबर है, बाइनरी वाला नंबर है। और इसमें टोटल 5 बिट में से हम कितने बिट को ऑन करके रखे हैं, 3 बिट को हमने ऑन करके रखा है और बाकी 2 बिट हमारा ऑफ है। इसका मतलब 3 बिट ही हमारा यूज हो रहा है। ठीक है, तो जो बाइनरी का आपका फॉर्मेट लिखने का होता है, इसका बेस जो है नीचे अगर आपका 2 दिख रहा है तो इसका मतलब ये बाइनरी नंबर है। इसके बाद हम लोग जाते हैं डेसिमल नंबर पे। डेसिमल नंबर आपका कुछ नहीं, जैसे आपका एन नंबर्स होते हैं ना उसी तरह का ये होता है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह का हो सकता है। और इसका बेस जब हम लिखते हैं, इसका बेस हम 10 में लिखते हैं। तो डेसिमल नंबर का एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ तो आप ऐसे लिख सकते 2019 बेस 10। इसका मतलब नीचे बेस 10 आ गया, इसका मतलब ये जो नंबर है ये एक डेसिमल नंबर है। जनरल नंबर्स जो हम लिखते हैं उसे डेसिमल नंबर्स बोला जाता है। और ये डेसिमल नंबर जो है ये हो सकता है मल्टीपल बिट्स का साइज हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये एक बिट है, ये एक बिट है, ये एक बिट है, ऐसा नहीं है। ये मल्टीपल बिट्स का हो सकता है जो कि बाइनरी से कन्वर्ट होकर डेसिमल में बने हैं। हो सकता है ये जो नंबर 2019 आपका 5 से ज़्यादा बिट का हो सकता है, 20 बिट्स हो सकता है, आपका ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये 4 डिजिट मैंने लिखा मतलब ये 4 बिट का है, ऐसा कुछ नहीं है। बाइनरी में इसको अगर अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि ये कितने बिट का साइज का होता है। उसके बाद थर्ड में अपने पास जो आता है वो होता है हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में जो नंबर होते हैं ना, वो नंबर्स ऐसे होते हैं, नंबर आपका जो 0 टू लेके 9 तक, ये जितना नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे इसके अंदर आते हैं। उसके बाद आपका ए बी सी डी ई एफ जी, सॉरी जी नहीं, एफ तो कहता है, सॉरी भावनाओं में बह गया, चलो छोड़ो।
तो इसमें आपका जो है हेक्साडेसिमल में आपका क्या क्या आता है, 0 to 9 तक आता है, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ, टोटल आपका 16 डिजिट्स होते हैं इसमें, ठीक है। ये टोटल 16 के होते हैं, तो इनमें से कोई अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो। और डेसिमल हेक्साडेसिमल में आपका क्या होता है, जो एक डिजिट होता है ना, वन हेक्सा डिजिट इक्वल टू 4 बिट्स होते हैं, जो आपका बाइनरी में मैंने बोला ना 4 बिट्स आपके होते हैं। 4 बिट्स मतलब मैं अगर कोई हेक्सा डिजिट लिख रहा हूँ जिसका वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मैं 5 ले रहा हूँ, तो 5 मतलब यहाँ पे मेरे पास टोटल 4 बिट्स है, ठीक है। तो इन 4 बिट्स में से मेरे को देखना पड़ेगा कि ये कौन सा वाला बिट है, कौन सा वाला बिट, और फिर इसे जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, अगर यहाँ पे 4 है तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे, सॉरी 5 है मतलब ये वाला बिट मेरे पास ऑन है और ये वाला बिट मेरे पास ऑन है, और ये 2 बिट मेरे पास ऑफ है, इसका मतलब मेरे पास जो नंबर है वो 5 है। तो हेक्सा का एक डिजिट जो होता है वो उसका मतलब होता है आपका 4 बिट्स, वो 4 बिट्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। जब हम कन्वर्ट करेंगे और ज़्यादा आप तभी जान पाओगे। तो यहाँ पे जो एग्जांपल लेके अभी मैं बाइनरी टू जो डेसिमल होता है उसे जब मैं कन्वर्ट करूँगा तब तो आपको पता चलेगा कि जो चीज़ें होते हैं वो और थोड़ा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है।